जो मेरिट है केस की उसमें नहीं जा सकते, और उसमें जो तमाम जजमेंट्स थे, जो पहले के 7 जजमेंट बताए गए कि 7 जजमेंट हैं जिसमें प्रीपोनमेंट ऑर्डर किया है 24 घंटे या फिर 48 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट की बात कही गई है, और इसी के ऊपर कोर्ट ने कहा कि केवल इसी मुद्दे पे हम सुनवाई कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और इसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने सुनवाई पूरी करी और फ्लोर टेस्ट के लिए 10:30 बजे कल ऑर्डर पास करने के लिए रिजर्व कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कल 10:30 बजे इस मसले पे अपना ऑर्डर पास करेगा कि प्रीपोनमेंट ऑफ फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं होगा, या फिर अदर साइड को जो सेंट्रल गवर्नमेंट को समय दिया जाएगा जवाब दाखिल करने के लिए पिटीशन का या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया है कि जो सुनवाई हो रही है वो बस ये हो रही है कि फ्लोर टेस्ट कब करवाया जाए, जल्द से जल्द किया जाए या फिर कुछ वक्त दिया जाए, और इसी मामले को लेकर ये फैसला चल रहा है और इस पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है, जिसके बाद 10:30 बजे कल 10:30 बजे ये फैसला आएगा। तो फ्लोर टेस्ट पर कल तक के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है, और इस दौरान जस्टिस रमन्ना ने ये बात बताई है। वहीं लेकिन जयंत पाटिल की बात करें तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल को 162 विधायकों का समर्थन यहां पर दिया गया, तो 24 घंटे का वक्त यहां पर कह सकते हैं कि फैसला सुरक्षित जो रख लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और उस पर कल ये पता चलेगा कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट यहां पर अपना फैसला देता है। बात नहीं सुनी गई, अगर गवर्नर वहां पर है तो फिर हर काम सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी करना है, कुछ काम गवर्नर को करना है, और गवर्नर जो है उस फ्लोर टेस्ट के लिए एंटाइटल है, या फिर कोई स्पीकर है वो स्पीकर विधानसभा में अपॉइंट होना चाहिए, वो स्पीकर इस फ्लोर टेस्ट को लेगा। अब कोर्ट ने सारी सुनवाई पूरी की और कोर्ट ने ये रखा कि 10:30 पे कल वो जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे।